तो स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये है अपनी आजाद हिंद एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी का पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोगों ने सफर को शुरू किया था हावड़ा रेलवे स्टेशन से और हम लोग रात के करीब 10 बजे हावड़ा से ऑन टाइम निकले थे। सफर तय करते करते हम लोग खड़गपुर पहुंच चुके थे और पार्ट वन को हम लोगों ने खड़गपुर में ही एंड कर दिया था। अब आगे की जर्नी हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं और ये मेरा सबसे पसंदीदा पार्ट होने वाला है। उसके पीछे का कारण ये है कि इस पार्ट में हमें जानने को मिलेगा कि आखिर क्यों आजाद हिंद एक्सप्रेस लेट होती है। ये मेरे अंदर भी जिज्ञासा थी, मैंने बहुत सुना था कि आजाद हिंद एक्सप्रेस लेट होती है, स्पेशली जो आपका ये झारसगुड़ा से लेकर बिलासपुर तक का सेक्शन होता है। और इस पार्ट में हम लोग यही सेक्शन देखने वाले हैं, जानेंगे आखिर कि क्या कारण रहता है, गाड़ियाँ क्यों लेट होती है, क्यों यहाँ पर कहा जाता है कि इस सेक्शन में मालगाड़ियों का राज रहता है और कोयला ही कोयला चारों तरफ देखने को मिलता है। तो बिना किसी देरी के फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ हमारे दिन की खूबसूरत सी शुरुआत होती है उड़ीसा के झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन से। बाकी झारसुगुड़ा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन संबलपुर की ओर निकल जाती है। अगर बात की जाए झारसुगुड़ा के बारे में ना, तो इसे पावर हाउस ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है क्योंकि आसपास बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पर आसपास देखने को मिल जाएगी। खैर स्टेशन के बारे में बात करूँ तो एक प्यारा सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर आपको स्टॉल्स वगैरह नज़र आ जाएंगे सुबह सुबह के वक्त। खाने पीने की सुविधाएँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। चलिए फटाफट से दिन की शुरुआत करते हैं क्योंकि आगे जो यात्रा है और भी खूबसूरत और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बैक टू बैक मालगाड़ी हमें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलेंगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की खूबसूरती को हम लोग साथ में एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। गीतांजलि एक्सप्रेस जी। तो गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और मैं फाइनली उठ चुका हूँ और इसी के साथ हमारी ट्रेन के डिले होने की शुरुआत भी हो चुकी है। करेंटली अगर मैं बात करूँ तो हम लोग एक घंटे से ज़्यादा का डिले पा चुके हैं और अभी गाड़ी हमारी बस देख लीजिए इसे रेंग रेंग के चल रही है। अब ये देखने वाली बात होगी रुक गई, इसको डिले कैसे किया जाता है, ऐसे रेंग रेंग के चलाया जाता है या ज़बरदस्ती कहीं कोने में रोक दिया जाता है। दो मिनट के रुका कहता हमें बस वहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई, बाकी वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। चलिए प्रश्न बोलते हैं, आज दिन की शुरुआत करते हैं। पेंट्री से तो खाना पीना बिकना चालू हो चुका है, वेज कटलेट और उपमा वगैरह ये सब चीज़ें, चाय वगैरह भी मिलना चालू हो चुकी है। तो हम लोग भी अब शुरू करते हैं और ब्रेकफास्ट में देखते हैं हम लोग क्या लेते हैं, रिव्यू करके दिखाएंगे आप सभी को पेंट्री का। तो भाई हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है, समझ रहे हो इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मालगाड़ी को रोका जाता है मेन लाइन पे और पैसेंजर ट्रेन स्किप करती है लूप लाइन से। ये आपको बहुत देखने को मिल जाएगा इधर साइड क्योंकि यहाँ पर मालगाड़ियों का बहुत ट्रैफिक है।
आप यहाँ लाइन से बस मालगाड़ियाँ देखते जाइए। जहाँ देखोगे वहाँ बस कोयला ही कोयला नजर आएगा आपको। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, दोनों तरफ आपको एक जंगल दिखेंगे दूर दूर तक बस, और एकदम पूरे ग्रीन। एकदम घने जंगल वाले इलाके से होकर हमारी ट्रेन फिलहाल गुजर रही है। बाकी एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, फोन में नेटवर्क भी नहीं है इस वक्त, खूबसूरत लग रहा है ये रूट यार, उम्मीद से दुगना खूबसूरत। ये देखो आप लोग, ये है दूसरी साइड के नज़ारे। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन रायगढ़ जो है वो पहुंचने वाली है, और उसके पहले कुछ ऐसा रूट है। देखिए हम लोगों ने अपना ट्रेन का ब्रेकफास्ट जो है वो ले लिया है। मैं आपको बता दूं क्या क्या है इसमें। देखिए ये है वेज कटलेट एकदम गरम गरम, इसके अलावा यहाँ पर ये है उपमा, ये चाय हम लोगों ने ले ली है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उपमा से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टेस्टी है, और उसी को मैं रिव्यू करके आपको दिखाऊँगा। A1 मस्ट रिकमेंडेड है उपमा। तो आप कटलेट भी ट्राई कर लेते, देखते हैं कटलेट कैसे हैं। स्पाइसी नहीं है पर प्रॉपर फ्लेवर है सारी चीज़ों का, और मस्त लग रहा है। मतलब गाड़ी का खाना बहुत बढ़िया है, साथ में चाय जो प्रीमिक्स वाली हमेशा लेता हूँ मैं, वही ली मैंने। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया, एक नंबर ब्रेकफास्ट है भाई। तो आज़ादीन एक्सप्रेस का खाना पीना आप सभी के लिए रिकमेंडेड है, और मैं पहले से इसलिए श्योर था खाना अच्छा होगा क्योंकि ट्रेन में पेंट्री का रहा है, खाना इसमें ही बन रहा है गर्म गर्म एकदम फ्रेश। चलिए फिलहाल कुछ ही देर में हम लोग रायगढ़ पहुँच रहे हैं, पहुँच चुके हैं, तो मैं प्लेटफॉर्म पर मिलता हूँ आप सभी से। हाँ जी, तो एक और अपना राज्य बदल के हम लोग फिलहाल पहुँच चुके हैं छत्तीसगढ़ में, और स्वागत है आपका यहाँ पर। फिलहाल मैं आप सभी को बता दूँ, रायगढ़ हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर अराइवल टाइम था सुबह 6:53 का, और अभी हम लोग करीब 8:30 पहुँचे, तो यूँ मान लीजिए 2 घंटे का डिले हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। बाकी अगर रायगढ़ के बारे में बात करूँ ना, तो एक कल्चरल कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ यहाँ का जो कथक डांस है वो बहुत फेमस है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें ना, तो इस पूरे रूट में आपको दूर दूर तक कोयला ही कोयला देखने को मिलेगा, मालगाड़ी और कोयला, ये दो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आप लोगों ने सुबह से मेरे साथ देखा ही है, जब से हम लोग उठे हैं तब से बस मालगाड़ी देख रहे हैं और दूसरा कोयला देख रहे हैं भाई। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मिनरल रिच स्टेट है, यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत पाई जाती हैं। कोयला मेनली यहीं से निकाला जाता है, और यहीं से जो है बाकी जगह भेजा जाता है।
बाकी आप लोग देख लीजिए रायगढ़ स्टेशन ऐसा कुछ है, तीन प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। बाकी मैं आप सभी को बता दूँ खाने पीने की सुविधाएं यहाँ पर ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आई। अब आज़ाद दिन में अगर आप लोग ट्रैवल करो तो चिंता मुक्त हो जाओ, खाना ट्रेन का बहुत बढ़िया है। बाकी दो मिनट का हॉल्ट था अपने यहाँ पर, ऑफिशियली निकलते हैं, डिपार्चर का जो है वक्त हो चुका है। आपकी जहां तक नजर जाएगी ना वहां तक बस आपको मालगाड़ी मालगाड़ी नजर आएगी। देखिए आज का ज्यादातर जो सफर है अपना वो छत्तीसगढ़ में बीतने वाला है। अभी यहाँ से हम लोग चंपा जंक्शन होते हुए निकलेंगे बिलासपुर जंक्शन की ओर, वहां से दुर्ग गोंदिया ये सब होते हुए आगे नागपुर की ओर बढ़ेंगे। मेनली जो गाड़ी है वो इसी सेक्शन में डिले होती है तो देखने वाली बात होगी। मैं भी एक्साइटेड हूँ कि भाई गाड़ी लेट होती कहाँ है आखिर और कैसे होती है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने मेरे साथ सुबह से देखा एक घंटे की डिले के साथ हम लोग उठे थे और उसके बाद जो डिले है वो बढ़ के करीब दो घंटे का हो चुका है। नजारे देखिए आप लोग, ये है खूबसूरत छत्तीसगढ़। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना खूबसूरत होगा, लिटरली यार मैं अंदर बैठा नहीं हूं, बस कब से बस ये नजारा ही एंजॉय कर रहा हूं। बाकी मौसम भी उतना ही खूबसूरत हो चला है, सुबह से ओवरकास्ट था ही हल्का फुल्का और एक और मालगाड़ी। एक और स्टेशन हमारी गाड़ी लूप लाइन से स्किप कर रही है और मेन लाइन पे खड़ी है मालगाड़ी एक्सप्रेस। मालगाड़ी एक्सप्रेस यही कह सकते हैं, मालगाड़ी एक्सप्रेस भाई यहाँ उसी को प्रायोरिटी है। ये देखिए आप लोग क्या तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी जो है वो चल रही है। पिछले 15 मिनट से गाड़ी हमारी यही रफ्तार से चल रही है। अगर मैं बात करूँ ना तो हमें रायगढ़ से निकले 1 घंटा हो चुका है और अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। वाओ, तो ये है आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा है कि डिले क्यों बढ़ता है और क्यों आखिर ये गाड़ी डिले होती है। अभी भी चंपा जंक्शन दूर है, लेट्स सी हम लोग वहाँ कब पहुँचते हैं। प्रायोरिटी हल्की हल्की महसूस हो रही है, चाहे धीमी रफ्तार में सही मालगाड़ी को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। पहली बार लाइफ में खुशी हो रही है कि मालगाड़ी को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। ये भी कोयले से लदी हुई मालगाड़ी थी। बाकी मौसम बहुत खूबसूरत हो चला है। फाइनली चंपा हम लोग पहुंच रहे हैं, बस थोड़ी ही दूर रह गया है।
ये देखो भाई, कोरबा से आने वाली लाइन हमसे आकर मिल रही है, इसी के साथ चंपा जंक्शन में अराइव हो चुका है फाइनली। देखिए यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली चांपा रेलवे स्टेशन, जो कि जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। चलिए अब बात करते हैं डिले के बारे में। तो यहाँ हमें पहुँचना था सुबह 7:54 पर और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं करीब करीब 10:40 पर। तो यूँ मान लीजिए 2.5 घंटे का डिले हमारे पास यहाँ पर गेन हो चुका है। बाकी मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूँ, ये जो चांपा है ना, ये फेमस है अपनी कोसे सिल्क के लिए, पूरे दुनिया भर में मशहूर है ये। अब मैं बात करता हूँ चांपा स्टेशन की, तो ये 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से कोरबा के लिए जो है लाइन अलग होती है। और ये सामने देखिए पैसेंजर यहाँ से खुलने के लिए तैयार है WAG-9 लोकोमोटिव के साथ। एक चीज़ है, अगर आप लोग इस सेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो ये भूल जाइए आप कि इस एक्सप्रेस को प्रायोरिटी मिलेगी, यहाँ सिर्फ मालगाड़ियों का राज है। ठीक है, यहाँ क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। मेन लाइन पर खड़ी होती है मालगाड़ी, लूप लाइन से स्किप करती है पैसेंजर ट्रेन और जहाँ मर्जी इसको रोक दिया जाता है, जहाँ मर्जी धीरे धीरे चलाया जाता है। मतलब करीब 1 घंटे के लिए तो हमारी ट्रेन 40 के ऊपर गई ही नहीं थी, ये हालत थी इसलिए जो डिले है कॉन्स्टेंटली बस बढ़ ही रहा है। यहाँ पर मात्र 2 मिनट का अपना हॉल्ट है, बाकी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर खाने पीने की जो दुकानें हैं आपको देखने को मिल जाएगी। प्रोसीड, सिग्नल होकर निकलते हैं। चलिए निकल चुके हैं हम लोग चांपा रेलवे स्टेशन से, मात्र 2 मिनट का अपना यहाँ पर हॉल्ट था। एक, दो और तीन मालगाड़ी तो यहाँ पे खड़ी है, कोयले से लदी हुई मालगाड़ियाँ। देखिए करंट समय की अगर मैं बात करूँ ना तो 10:45 हो चुका है और अगला जो अपना स्टॉप है वो सीधा आना है बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और दूरी की अगर मैं बात करूँ ना चांपा से, तो वो करीब 52 किलोमीटर दूर है। लेट्स सी हम लोग कब पहुँचते हैं वहाँ पे। यहाँ देखिए हमारी क्रॉसिंग हो रही है साउथ बिहार एक्सप्रेस के साथ और बीच में फिर से मालगाड़ी आ गई है इसके पहले पाइथन मालगाड़ी क्रॉस हुई और थोड़ी डिस्टेंस पे भी खड़ी है। बिलासपुर हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ भी आपको कोयला देखने को मिल जाएगा और मालगाड़ी उसके पीछे खड़ी है। आप यहाँ ट्रैफिक देखिए, बैक टू बैक यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। देखिए एक गाड़ी यहाँ खत्म हुई और पीछे देखिए
साहब, बैक टू बैक एकदम चिपक के गाड़ियाँ खड़ी हैं। आप लोग सोचिए कितना प्रेशर होगा यहाँ पर कंट्रोलिंग का, इतनी मालगाड़ियों को एक साथ हैंडल करना, उसके साथ पैसेंजर ट्रेन को भी चलाना बहुत मुश्किल होती है, इसी कारण से गाड़ियाँ यहाँ पर लेट होती हैं। स्टॉल्स वगैरह आपको यहाँ पर अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे, वेंडर्स वगैरह भी हैं जो खाना वगैरह बेच रहे हैं। ये इडली वगैरह ज़रूर से आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी के लिए काफ़ी अच्छा रश है यहाँ पर। फ्रूट वगैरह बिक रहे हैं, ये ज़रूर से आप ले सकते हैं। हो चुका है 11:45 और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, नॉर्थ ईस्ट छत्तीसगढ़ का कमर्शियल या बिजनेस अब आप इसे कह लो, छत्तीसगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है ये। बाकी अगर बात की जाए रेलवे के नज़रिए से ना, तो ये बहुत ही अहम बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जंक्शन किस लिए? क्योंकि यहां से एक लाइन तो निकल जाती है अनूपपुर होते हुए कटनी की ओर, एक लाइन जिस पर हम लोग बढ़ने वाले हैं जो कि आगे दुर्ग की ओर जाती है, दुर्ग रायपुर की ओर, और एक लाइन जिससे हम लोग अभी आए हैं चंपा जंक्शन वाली। बाकी ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज़ का हेडक्वार्टर्स भी है पूरा रेलवे का, तो बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। बाकी और बात करूँ ना बिलासपुर के बारे में, तो जो छत्तीसगढ़ है उसको धान का कटोरा कहा जाता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, और उसमें जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर धान जो है वो उगाया जाता है। बाकी यार एक चीज़ है, पता ही नहीं लगा गाड़ी 3 घंटा कब डिले हो गई। ठीक है, अभी तक का मैं अगर आपको रिव्यू देना चाहूँगा तो मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ ट्रैफिक इतना है मालगाड़ियों का कि पैसेंजर ट्रेन को ऑन टाइम चलाना हैंडल करना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को मैंने अभी दिखाया था अराइवल के टाइम पे बैक टू बैक ट्रेनें लगी हैं, मतलब सोचिए मालगाड़ी खुद लेट हो रही है तो पैसेंजर ट्रेन का क्या हाल होता होगा। अभी पीछे दुरंतो एक्सप्रेस आ रही है हावड़ा पुणे, वो 10 घंटा लेट आ रही है, वो यहाँ सुबह 9 बजे आना थी, रात 10 बजे आएगी, वो सोचिए क्या हाल है। तो यार ये कंप्लेंट करना तो गलत होगा, अब क्या ही कर सकते हैं इसके लिए, सबके सामने जो भी सिचुएशन है। बाकी स्टेशन पर खाने पीने की बात करूँ तो नॉर्मल थाली वगैरह बिक रही है, पर आधा दिन में आ रहे हो तो बाहर का मत लो, ट्रेन का ही खाना लो, वो मैं गारंटी से कह सकता हूँ अच्छा होगा। बाकी देखिए यहाँ पर मैं आप सभी से आराम से बातचीत कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर अपनी ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। अब एक बार छोटा सा रिव्यू देता हूँ मैं आप सभी को इस ट्रेन के बारे में, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस के बारे में। साफ़ सफाई बहुत बढ़िया से मेंटेन हो रही है, देखिए बिलासपुर स्टेशन पर आकर बाहर का स्टाफ भी साफ़ सफाई कर रहा है, अंदर देखिए मशीन वगैरह से, प्लस जो ऑनबोर्ड ओबीचे स्टाफ है वो भी लगातार ट्रेन को मेंटेन कर रहा है, तो ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। आप देखिए बाहर से भी साफ़ की जा रही है, कांच वगैरह जो है आप देखिए, ऐसी सर्विस आपने यूजुअली देखा होगा कि किसी प्रीमियम ट्रेन में किया जाता है, राजधानियाँ वगैरह जब नहीं पहुँचती उसके कांच वगैरह साफ़ किए जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। देखिए यहाँ से मैं हो चुका है 11:58 और फाइनली हम लोग बिलासपुर स्टेशन से निकल रहे हैं, आगे दुर्ग गोंदिया होते हुए अपना सफ़र जो हम लोग जारी रखेंगे। एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, जो राजधानी एक्सप्रेस है वो बिलासपुर तक आती है, नई दिल्ली बिलासपुर राजधानी। देखिए एक बात बहुत अच्छी है आज़ाद हिंद एक्सप्रेस की कि इसके हॉल जो है ना वो बहुत कम है, मतलब ज़्यादा कहीं रुकती नहीं है गाड़ी, सिर्फ बड़े बड़े स्टेशन पर ही रुकती है। अब यहाँ से बिलासपुर से हम लोग निकले, इसके बाद भाटपारा करके एक स्टेशन आएगा, उसके बाद हमारी गाड़ी सीधा रायपुर जाके रुकेगी। देखते हैं, मेनली इसी सेक्शन में डिले होती है गाड़ी, अभी तक हम लोग 3 घंटा तो हो चुके हैं, रायपुर पहुंचते पहुंचते हम लोग कितना घंटा होते हैं वो देखने वाली बात है। ज़्यादा दूर है नहीं वैसे रायपुर, लगभग 110 किलोमीटर दूर है रायपुर। बाकी देखते हैं, स्लोली स्लोली अपनी गाड़ी बिलासपुर को एग्जिट कर रही है। गाड़ी की ऑक्यूपेंसी भाई बहुत नेक्स्ट लेवल है, एक डेली गाड़ी ना इसकी डिमांड बहुत है, मतलब एक भी सीट खाली नहीं है, ना 2 AC ना 3 AC ना स्लीपर, स्लीपर की हालत तो कल रात में आप लोगों ने देखी, जैम पैक था भाई वो, थोड़ी बुरी कंडीशन में स्लीपर ये बात बोलना पड़ेगी।
कार हावड़ा बेस की गाड़ी है और मिष्टी तो इसमें मिल रहा था, तो भाई हम दोनों तो शौकीन है। आप लोगों ने देखा होगा पार्ट वन में कि हम लोगों ने कैसे कहाँ पे खाया था, फूड प्लाजा में जो हावड़ा स्टेशन पे था, वहाँ से हम दोनों फैन हो गए। तब से सोच रहे थे कि यार मिष्टी दोई ट्राई करना है, और ट्रेन में बिकने के लिए आ गया। लकीली इसका टेस्ट भी वैसा ही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है ना, 25 रुपये के हिसाब से बात है। हाँ तो रिकमेंडेड है आप सभी के लिए। खैर अभी खाना आने में तो देर है, हम लोगों को थोड़ी हल्की फुल्की भूख लग रही थी, सोचा इसी से काम चला लेते हैं, हेल्दी ऑप्शन भी है। समय हो चुका करीब 12:40 और फिलहाल हमारी ट्रेन भाटपारा रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का शेड्यूल स्टॉपेज है। बाकी गर्मी फिलहाल बढ़ चुकी है, टेम्परेचर थोड़ी देर पहले तक तो बहुत अच्छा था पर हल्की फुल्की गर्मी लगने लगी है। बाकी यार अपनी जो सीट पर जहाँ पर हम लोग बैठे थे लोअर सीट पर, वहाँ पैसेंजर आ चुके हैं तो वो भी चली गई। अब अभी जैसे जैसे हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं अपर बर्थ पे, अभी इस कोच में मेरी जो अपर बर्थ है वो रायपुर तक है, और रायपुर से जिससे मैंने एक्सचेंज की थी वो उतर जाएंगे। तब जो पैसेंजर रायपुर से आएंगे उनको बोलूँगा कि भाई मेरी सीट पर एक्सचेंज कर लो प्लीज़, रिक्वेस्ट करूँगा, इतना सब कुछ हौच पौच चल रहा है। बाकी आप लोग देख लो जनरल एक आगे की तरफ है आज़ाद हिंद एक्सप्रेस में, और जो कि पूरा भरा हुआ है, सिग्नल हो गया ग्रीन। देखिए भाटपारा से हम लोग निकल चुके हैं, मात्र 2 मिनट का अपने यहाँ पर हॉल्ट था, पर एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लग रही है ना हावड़ा की गाड़ी में वो है आलू चाप। यार वो मिल जाती ना तो मज़ा आ जाता। हावड़ा बेस की जितनी गाड़ियाँ हैं ना उनमें आप आलू चाप ट्राई कर सकते हो, बहुत 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 ज़्यादा ही बढ़िया होती है। ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है उससे मैं बता रहा हूँ। जब से गाड़ी बिलासपुर से निकली है ना इसने टेक ऑफ वाली फीलिंग दे दी है, मतलब लिटरली प्लेन ही टेक ऑफ करता एकदम स्पीड पकड़ के वैसे भाग रही है। बिलासपुर के पहले तक धीरे 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 चल रही थी, बिलासपुर के बाद भाई नॉन स्टॉप भाग रही है गाड़ी, मज़ा आ गया। फाइनली एक अच्छा रन देखने को मिल रहा है गाड़ी का। बस कुछ ही देर में हम लोग अब पहुँचने वाले हैं रायपुर, तो वहीं आपसे मिलता हूँ मैं सीधा। खाने का ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया है, पेंट्री से बस आता ही होगा।